नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एम्प्लॉयज मीडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों से बात करूंगा LTC के बारे में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं LTC के बारे में। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि LTC होता क्या है। तो दोस्तों, LTC का फुल फॉर्म होता है लीव ट्रैवल कंसेशन, मतलब कि जो हम यात्रा करते हैं उसमें जो सरकार मुझे हमें पैसा देती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, उसको LTC बोला जाता है। तो यह दो प्रकार का होता है दोस्तों, पहला होता है होम टाउन LTC और दूसरा होता है ऑल इंडिया LTC। अब इन दोनों के बारे में मैं बारी बारी से बताऊँगा कि दोनों कितने साल पर मिलता है और कैसे आप इसे ले सकते हैं और इसमें क्या क्या इसके बेनिफिट है और अपने परिवार में आप किस किस के लिए यह बेनिफिट ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। आप मेरे वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए चलिए बताते हैं आप लोगों को कि पहले आपको बताऊंगा होम टाउन LTC क्या होता है, उसके बाद अगले वीडियो में बताऊँगा ऑल इंडिया LTC क्या होता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, होम टाउन LTC जो होता है एवरी 2 ईयर्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाता है, मतलब प्रत्येक 2 साल पर आप इसे ले सकते हैं अपने घर जाने के क्रम में। यदि आप कहीं पर तैनात हैं अपने ड्यूटी में और वहाँ से आपका घर, आप अपने घर जाने का किराया लेना चाहते हैं सरकार से, तो आपको फुल किराया मिलता है विथ आपके जितने डिपेंडेंट लोग हैं आपकी फैमिली में, उनका और आपका सबका किराया सरकार देती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो देखिए, इसमें लिखा गया है कि ऑल डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के साथ अपने टिकट का पैसा ले सकते हैं, क्लियर है। और जहां आप ड्यूटी स्थान पर तैनात है, जिस ड्यूटी स्थान पर आप तैनात हैं, वहां से अपने होम टाउन तक के लिए आने जाने का टिकट का किराया आप प्रत्येक 2 साल पर ले सकते हैं। सपोज कीजिए, आप यदि ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन का किराया ले सकते हैं, यदि बस से जा रहे हैं तो उसमें एक चीज़ ध्यान देना होगा कि बस जो है वो सरकारी रोडवेज होनी चाहिए, सरकारी बस होनी चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। अन्यथा प्राइवेट बस से आप जाएंगे तो उसका पैसा क्लेम नहीं होगा। दोस्तों, इसमें यह नियम जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर जा रहे हैं तो उसके लिए सरकारी साधन का इस्तेमाल कीजिए, ट्रेन हो या बस हो। आइए आगे बताते हैं इसमें आगे क्या है। तो देखिए दोस्तों, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एम्प्लॉयज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो 3rd AC में सफ़र कर सकते हैं। रेलवे के 3rd AC में, जो रेलवे के 3rd AC का कोच होता है, उसमें सफ़र कर सकते हैं और उसका पैसा आप अपने ऑफिस में टिकट दिखाकर आप क्लेम कर सकते हैं, ले सकते हैं पैसा। और दोस्तों, आप लोग बताना चाहता हूँ कि यह जो बेनिफिट है वो किसको किसको नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आपको बता दूँ कि जो रेलवे एम्प्लॉयज हैं उनको यह बेनिफिट उपलब्ध नहीं है, क्योंकि रेलवे उनको ऑलरेडी पहले से पास बना कर देती है, तो उनके लिए यह सुविधा मतलब कि ऑथराइज नहीं है। और जो सशस्त्र बलों के जवान हैं उनको भी यह सुविधा नहीं मिलती है, क्योंकि सशस्त्र बलों के जवानों को वारंट दिया जाता है और उनका कुछ अलग ही नियम है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों, उसके अलावा जितने भी स्थायी केंद्रीय कर्मचारी हैं सबको यह सुविधा दिया जाता है, प्रत्येक 2 साल पर आप घर जाने के लिए किराया ले सकते हैं, अपने ऑफिस में टिकट जमा करके आप पैसा क्लेम कर सकते हैं, फुल पैसा मिलता है। और जितने भी आपके डिपेंडेंट हैं, आपके माँ बाप हैं, यदि आपकी सिस्टर है तो 18 साल से नीचे है उसकी उम्र, तो उसका भी टिकट का पैसा आप क्लेम कर सकते हैं। आपका कोई भाई है तो उसका भी पैसा क्लेम कर सकते हैं, 18 साल से नीचे का उसका उम्र होना चाहिए। तो दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं कि होम टाउन LTC के साथ 10 दिनों का लीव इनकैशमेंट आप ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे लीव इनकैशमेंट क्या होता है, तो मैं पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया हूँ लीव इनकैशमेंट क्या होता है। इसमें सरल भाषा में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लीव इनकैशमेंट का मतलब होता है कि 10 छुट्टी आप सरकार को जमा करते हैं, उसके बदले सरकार आपको पैसा देती है। 10 छुट्टी मतलब आप कटवाते हैं अपने जो आपका जो EL जमा है, तो उस EL में से 10 छुट्टी आप कटवाएंगे तो उसका 10 दिन का पैसा गवर्नमेंट आपको देती है। और 10 दिन का पैसा का मैं बताया था कैसे कैलकुलेशन करना है,
बेसिक प्लस डीए दोनों को ऐड करके 30 से डिवाइड कर देंगे तो एक दिन का आपका पेमेंट निकल जाएगा, एक दिन का आपका सैलरी निकल जाएगा। उसके अनुसार आप 10 दिन का निकाल सकते हैं, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो दोस्तों, अगले वीडियो में आपको ऑल इंडिया एलटीसी के बारे में बताऊंगा। तब तक होम टाउन एलटीसी के बारे में आप पूरी तरह से जानकारी लीजिए, मेरा वीडियो देखिए, और कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करके बताइए प्लीज़। आप कमेंट करेंगे तो मैं आपकी जो मतलब कि डाउट है उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब